हाय बच्चों, हम लोगों ने टीडीएस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपको टीडीएस में सैलरी के रूल्स बताए थे कि किन केसेस में क्या क्या सैलरी के रूल्स हैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। फिर मैंने आपको टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अदर देन सैलरीज, टीडीएस ऑन डिविडेंड, ये सारे लेक्चर्स शेयर किए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा। इसके लिए जो प्रोविजन अप्लाई होती है वो है सेक्शन 194B। अब इसका क्या मतलब है बच्चों कि अगर कोई भी पर्सन लॉटरी वगैरह से कुछ भी अमाउंट जीतता है या किसी क्रॉसवर्ड पजल से कोई अमाउंट विन करता है तो उसके ऊपर उसको टीटीएस डिडक्ट होगा और डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट होगा वो उसको मिलेगा। अब बात ये आती है एज यूजुअल कि टीटीएस कौन डिडक्ट करेगा। जो लॉटरी की अमाउंट या विनिंग का अमाउंट पे करने वाला व्यक्ति है वो डिडक्ट करेगा। कितना करेगा, क्या उसके लिए कंडीशंस है वो देखो कि यदि अगर आप, यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी विनिंग का विनिंग में कोई भी अमाउंट जीतता है, विनिंग कहाँ से है वो अगर वो लॉटरी से या क्रॉसवर्ड पजल से कोई भी अमाउंट जीतता है और वो अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो, अगर 10,000 से कम है तो टीडीएस का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बात आती है कि टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा। टीडीएस वो व्यक्ति डिडक्ट करेगा जो कि लॉटरी की पेमेंट करेगा। दूसरी बात, किस रेट पर डिडक्ट होगा, 30% पर डिडक्ट होगा। नो सरचार्ज एंड नो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हम इससे पहले की बात नहीं कर रहे, हम असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहे हैं कि यदि असेसमेंट ईयर 2021 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कोई व्यक्ति लॉटरी से 10,000 से ज्यादा का अमाउंट जीतता है तो 30% टैक्स डिडक्ट होने के बाद ही उसको पैसा मिलेगा। यानी कि मान लो आपने 20,000 रुपये जीते तो 20,000 यानी कि पहली कंडीशन 10,000 से ज्यादा है, 30% कितना बन जाएगा उसके ऊपर 6,000, तो 20,000 में से 6,000 माइनस कर दिया तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 14,000 रुपये मिलेगा। तो जो 6,000 है वो टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा और आपके अकाउंट में आपकी इनकम टैक्स के जो स्टेटमेंट होगी 26AS में जब वो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब बात ये आती है कि डिडक्शन कब होगी। एज यूजुअल ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिडक्शन कब होगी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द विनिंग, जब पेमेंट होगी विनिंग अमाउंट की तब होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे को जो विनिंग हो रही है वो कैश में नहीं हो रही, वो काइंड में हो रही है, मान लो आपने कार जीती, ऐसे होता है ना, टीवी जीता, आते हैं ना कि ये करो टीवी जीतो बाइक जीतो, कई जगह पैसे लगे होते हैं, तो उस केस में क्या है, बिकॉज योर विनिंग इज इन काइंड। तो देखो यहाँ पर दे रखा है होली इन काइंड, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड। देखो दो चीजें हैं, या तो आपको जो विनिंग मिली है कुछ कैश में है और कुछ काइंड में है। जब कुछ कैश में और कुछ काइंड में है और दोनों को मिला करके उसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा बनती है तो इसका मतलब क्या है कि आपको टैक्स तो टीडीएस तो कटेगा। अब बात यह है कि टैक्स जितना बनता है कैश में उसकी वैल्यू उससे कम है, तो अब यहाँ पर जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है वो पहले विनर से अमाउंट रिसीव करेगा टैक्स का, उसके बाद ही उसको विनिंग का अमाउंट देगा। आई बात समझ। सेम अगर कोई व्यक्ति काइंड में कोई लॉटरी विन करता है यानी कि उसको कोई गिफ्ट मिलता है और उस गिफ्ट की वैल्यू 10,000 से ज्यादा होती है, मतलब कुछ जीत करके आए और वो जो आप जीत करके आए इन काइंड उसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा है, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, वहां पर भी आपको पहले जो भी पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है, बिफोर रिलीजिंग द विनिंग अमाउंट टू यू द पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इंश्योर कराना कि दैट द अमाउंट और द पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ होल विनिंग बाई, आपने वो सारी पेमेंट कर दी हो। आई बात समझ बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास बनता है, यहाँ पर दे रखा है कि इफ द प्राइस इज गिवन इन इंस्टॉलमेंट्स द टैक्स शैल बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट विनिंग की होगी उसी टाइम उसका उतना ही प्रोपोर्शनेट टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा।
पहले जो हमने किया बच्चों वो था विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है। अब लॉटरी में कार जीतने वाली बात थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस का भी सेम केस है बच्चों, अमाउंट है 10,000 कि यदि कोई भी पर्सन 10,000 से ज्यादा का अमाउंट हॉर्स रेस में विन करता है तो जो भी पर्सन पेमेंट कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनकम टैक्स डिडक्ट करे जो भी प्रेजेंट प्रिवेलिंग रेट्स होंगे। और अगर हम प्रिवेलिंग रेट्स आज की बात करें 2021 की तो वो कितने हैं, 30% है। क्लियर। द नेक्स्ट इज पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर, सेक्शन 194C। पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर 194C में क्या दे रखा है कि यदि कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है या सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पेमेंट करता है, और बात ये बता रखी है कि पहली बात ये है कि सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो अगर वो रेजिडेंट है तो सेक्शन 194C के रूल्स के हिसाब से जो भी पर्सन पे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेमेंट करते वक्त वो जो टैक्स का अमाउंट है वो डिडक्ट कर ले, ठीक है। और इधर इन कैश और बाय चेक बाकी जो पेमेंट है विच एवर इज अर्लियर उसको दे दे। अब बात ये आती है कि कितना अमाउंट का डिडक्ट करना है। तो जैसे अभी जैसे मैंने आपको लॉटरी के केस में 10,000 का लिमिट बताया था ना, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में वो लिमिट क्या है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में ये लिमिट है कि सिंगल पेमेंट 30,000 और एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द होल ईयर, ठीक है ना, पूरे फाइनेंशियल ईयर में की पेमेंट 1,00,000 और सिंगल पेमेंट 30,000, ये लिमिट है। अगर इससे ज्यादा होगी तो टीडीएस डिडक्ट करना है, कम है तो नहीं करना है, ठीक है। अब डिडक्शन कौन से कॉन्ट्रैक्ट की है, कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पर क्या दे रखा है, द डिडक्शन इज टू बी डन फॉर द पेमेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर इन पर्सुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड अ स्पेसिफाइड पर्सन। कि अब बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर और स्पेसिफाइड पर्सन इन दोनों के बीच में जब कोई डील होगी और किसी भी काम को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही डिडक्शन टीडीएस के रूल्स अप्लाई होंगे। अब बात आती है कि स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन कौन से हैं, वो हम भी पढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों यहाँ पर दे रखा है कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा। तो टीडीएस 1,00,000 से ज्यादा अगर लमसम पेमेंट है और सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है और पेमेंट द क्रेडिट इज गिवन टू एन इंडिविजुअल और HUF कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर वो इंडिविजुअल HUF तो 1%, अदरवाइज इन केस ऑफ कंपनी एंड अदर पर्सन कितना है, 2% है। और अगर वो अपना पैन फर्निश नहीं कर रहा रिसिपियंट तो ऑब्वियसली पेनल्टी होगी, ज्यादा टैक्स बनेगा तो 20%। अगर रिसिपियंट ने अपना पैन नंबर दे दिया तो 1% या 2% डिपेंड करता है रिसिपियंट कौन है, लेकिन अगर रिसिपियंट ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो कितना है, 20%। उसके बाद कुछ कंडीशंस ये हैं कि अगर सिंपली कोई एक इंडिविजुअल है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल काम की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट के लिए हमने कोई काम करवाया कॉन्ट्रैक्ट पे छोटा मोटा पर्सनल पर्पस के लिए और उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अमाउंट भी जरूरी है कि वो अमाउंट उस लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तीसरी बात कि यदि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका उसका जो काम है अप्लाइंग हायरिंग लीजिंग कैरेजेस, बच्चों ये प्रिजम्प्टिव बिजनेस वाला पढ़ा था वो कैटेगरी है, तो अगर वो उस कैटेगरी में आता है तो भी टीडीएस के रूल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड स्पेसिफाइड पर्सन अप्लाई होगा तो ही डिडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नाउ मैंने आपको ये भी बताया था हु इज द स्पेसिफाइड पर्सन, हियर इज द लिस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्संस गिवन टू यू, आई एम जस्ट गिविंग इट अ क्विक रीड। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशंस, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, ठीक है, engaged either for the purpose of dealing with or satisfying the needs for the housing accommodation or for the purpose of planning, development or improvement of cities, towns and villages or for both। मतलब कि housing accommodations वाली कोई भी institution है, यहाँ से इन सब का काम यही सब है। देखो आप इसको पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। दोबारा, कोई भी society जो registered है as per Societies Registration Act, clear, और या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड ना होके किसी और लॉ के अकॉर्डिंग भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। कोई भी ट्रस्ट,
कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि एस्टेब्लिश्ड है बाय द सेंट्रल स्टेट एंड प्रोविंशियल एक्ट, ठीक है, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइज और कोई भी एसोसिएशन और बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, कोई भी फर्म, और कौन आता है बच्चों इसमें, एनी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल एचयूएफ और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो वाले पर्सन जिनके अकाउंट सेक्शन 44A(b) के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट कराने मैंडेटरी है, ठीक है। अब मान लो मैंने अपना मकान बनाने का कोई ठेका दिया, मेरा वो मकान बना रहा है, तो मेरे यहाँ पर इनमें से आई एम नॉट अ स्पेसिफाइड पर्सन, तो उस केस में आई एम नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस व्हाइल बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, क्लियर। द नेक्स्ट इज टीडीएस रूल्स इन केस ऑफ इंश्योरेंस कमीशन सेक्शन 194D। 194D में बताता है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि रेजिडेंट को पेमेंट, अब देखो टीडीएस के लिए अगेन फिर से रेजिडेंट वर्ड पहले भी था और अब भी मैं बता रही हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट, अगर आप पेमेंट कर रहे हो जो इंश्योरेंस कमीशन की, और वो पर्सन कौन है, रेजिडेंट है, कि अब जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनको कमीशन मिलती है, अब कंपनी उनको कमीशन देती है, तो बिफोर पेइंग कमीशन, ठीक है, अब वो कमीशन किसी भी चीज का भी हो सकता है, पॉलिसी कंटिन्यूएंस का, रिन्यूअल का, रिवाइवल का, इंश्योर किसी भी चीज का हो सकता है, तो वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो भी पैसा बनता है वो एजेंट को या जो भी पेई है उसको दिया जाए, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि डिडक्शन इज टू बी डन किस रेट पर, जो भी प्रिवेलिंग रेट्स होंगे, और अभी हम असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 के रेट्स क्या है, अगर रिसिपिएंट इज रेजिडेंट अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी तो 5%, अगर डोमेस्टिक कंपनी का रेजिडेंट है तो 10%, अगेन बच्चों मैं फिर से बता रही हूँ, अगर वो अपनी पैन की डिटेल्स नहीं देता बार बार मांगने पर तो 20%, ठीक है, और उस केस में नो हेल्थ, no surcharge, no education cess, clear. If the aggregate of such amount credited or paid during the financial year is 15,000 or less, no tax is required to be deducted at source. तो 15,000 रुपए की इंश्योरेंस कमीशन का जो है अमाउंट बनता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से फिर से बता रही हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या चीजें बताई, लॉटरी के केस में 10,000 का था, हॉर्स रेस के केस में 10,000 का लिमिट था, इंश्योरेंस कमीशन के केस में 15,000 का लिमिट था, कॉन्ट्रैक्टर के केस में 30,000 इन सिंगल और 1 लाख इन लमसम। अब बच्चों जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अब टीडीएस के ऊपर जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, इसे अलग अलग में रेयर होता है कि शॉर्ट नोट में आ जाए, तो फुल फ्लेज में आपकी बुक में लास्ट में एक चार्ट दे रखा है, आपको उस चार्ट से करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब वो चार्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं पहले ये डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आपको वो चार्ट अदरवाइज समझ नहीं आएगा, अगर आपने ये ब्रीफ में शॉर्ट वीडियो सुनी होगी तो वो चार्ट आपको बड़ा क्विकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अभी कल हम पढ़ेंगे payments under life insurance policies under section 194 DA. Till then, take care.